नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता है एक खास कार्यक्रम जो अवेयर करता है और एजुकेट करता है दी सिटीजन जस्टिस फोरम के तत्वाधान में महासेवा और अथक सेवा संघ और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस मिलकर हर सैटरडे ठीक 4 बजे शाम को आपसे मुलाकात करेंगे। अलग अलग विषय उठाएंगे, मुंबई शहर के हो, महाराष्ट्र के हो या देश के हो, और आप लोगों के समक्ष एक एक्सपर्ट जो लीगल में हर चीज में परिपूर्ण है ऐसे व्यक्ति बैठेंगे और सामने जिनकी समस्या होगी वो बैठेंगे। तो दोस्तों, इस ऐसे नॉलेज प्लेटफॉर्म में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में हमारे साथ दो आज विशेष मेहमान और खास स्पीकर हैं, एडवोकेट किरण साह महासेवा एडवोकेट और एडवोकेट सुलेमान भिवानी साहब, दोनों का स्वागत है। और आप सभी जो YouTube पे देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है दोस्तों इस खूबसूरत लाइन के साथ में, कि जिंदगी में किसी का साथ काफी है। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, जैसे आपने साथ मिला और आज साथ हुआ है, तो जिंदगी में किसी का साथ काफी है। कंधे पर किसी का हाथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता हो। जैसे हम डिजिटल पे दूर हो, कोरोना ने सबको दूर कर दिया, लेकिन दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है। डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है, डिजिटल पर बने रिश्तों का सिर्फ एहसास काफी है। यह एहसास हमने करके दिखाया है दोस्तों। और अब हम एक नया सुलेमान भिवानी जी के साथ में एक दूसरा हमारा ये एपिसोड है, और किस तरह से आपको लाइक करें इसको सबसे पहले, और अपने हितेशी लोगों को, अपने वेल विशर लोगों को शेयर करें। और आपको मैं बता दूं, सुलेमान भिवानी जी एक खास सब्जेक्ट आज लेना चाहेंगे जिससे आप निश्चित ही अवेयर होंगे, और आपको ये वीडियो और ये पूरा नॉलेज का जो आज का एपिसोड है बहुत ही अच्छा लगेगा। सबवेंशन स्कीम जो बिल्डर्स द्वारा दी जाती है, वो उसमें किस तरह से आज सच्चाई का एक उजागर करेंगे कि किस तरह से बायर्स के लिए कितनी धोखाधड़ी होती है, क्या होता है उसके पीछे, क्या सच्चाई है, वो उजागर करेंगे सुलेमान भिवानी जी। और ई कैटेगरी जो होती है CHS की, कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की, इलेक्शन ई कैटेगरीज के कैसे हो, क्या पूरी प्रक्रिया है, लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है ABCDE ई कैटेगरी के बारे में एडवोकेट किरण साहब बताएंगे। तो मैं दोनों कीनोट स्पीकर का स्वागत करता हूं, और इस पब्लिक जनता के प्लेटफॉर्म में, क्योंकि नाम ही है दोस्तों दी सिटीजन जस्टिस फोरम, मतलब जनता के लिए किस तरह से हम न्याय को प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, जहां कोर्ट में मामले चलते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े, यहां पर आपको निपटारा हो सके, इस तरह से रास्ता दिखाएंगे। और यदि कोर्ट में आपका मैटर चल रहा है तो उसको किस तरह से हम एडवाइज करके, एक्सपर्ट हमारी टीम के साथ में एक्सपर्ट करके आगे उसको आपको न्याय दिलवा सके, ये एक प्लेटफॉर्म है। मैं आपका होस्ट दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करने के साथ ही मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारा महान अहम विषय दोस्तों, और आपके लिए बड़ा ही आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिल्डर्स रेरा आया, महारेरा काम कर रहा, रेरा देश भर में काम कर रहा, सरकार अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने PIL के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 महीने का टाइम दिया है कि आप एक यूनिफॉर्म एग्रीमेंट बनाए, बिल्डर टू बायर, बायर टू बिल्डर्स। तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इसमें PIL के थ्रू एक वो करती है, और कोर्ट सरकार को बनाना चाहिए, जम्मू कश्मीर हो या उत्तराखंड हो या मुंबई हो या एक छोटे से गांव में यदि एक प्रॉपर्टी लेना हो तो एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे देश का तिरंगा एक है, हम एक संविधान में है, क्यों ना एक आदमी बंदा एक कहीं पे भी फ्लैट परचेज करने जाए तो उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए कि बिल्डर के सुविधा अनुसार वो चेंज नहीं कर पाए। बिल्कुल। तो ये जो आज विशेष मुद्दा, विशेष सब्जेक्ट लेके आए हैं एडवोकेट सुलेमान भिवानी, जिनको जानते हैं आप कि RTI में तो काफी सारे मुद्दे उठाए इन्होंने, SRA है, MHADA हुआ या MCGM से रिलेट काफी मुद्दे उठाए, और आपको रूबरू आप उनके, आज ये बड़ा ही अच्छा एक विषय लेके आए, सबवेंशन स्कीम्स जो बिल्डर्स जिसके बहकावे में लोग आते हैं और लोग फ्लैट खरीद लेते हैं, बाद में क्या होता है उनके हाल, वो पूरी जानकारी और पूरी PPT के साथ में प्रेजेंट करेंगे एडवोकेट सुलेमान भिवानी। मैं वेलकम करूंगा, मैं स्वागत करूंगा एडवोकेट सुलेमान भिवानी जी का, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू, सभी दर्शकों का जो यहाँ आए हैं और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हो, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं एडवोकेट भिवानी, CA रमेश प्रभु एंड सुनील शर्मा एंड एडवोकेट किरण शाह, वी वेलकम यू ऑल, आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट स्लाइड। द सबवेंशन स्कीम ट्रैप, ये जो मैंने इसके अंदर एक जो पिक्चर दिखाया है, इससे आपको पता चलेगा कि एक आदमी
जब सबवेंशन स्कीम में ट्रैप होता है, मकड़ी की जाल में फंस जाता है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है, तो किस तरह से ये जाल बिछाया जाता है। मेरे एक दोस्त अभी सबवेंशन स्कीम ने, लेकिन जैसे बिल्डर के ऑफिस में गए, किस तरह से उनको बहला के और फिर धमका के और फिर अंडर प्रेशर उनसे पैसे ले लिए, और जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है पैसे लेने के बाद में, और रेरा का प्रावधान होने के बाद में भी उनसे 40% पैसे मांग रहे हैं लोग, और बोलते हुए बाद में हम रजिस्टर करेंगे डॉक्यूमेंट। तो इस तरह का रेरा आने के बाद में भी बिल्डर लोग अपनी सेल्स टीम के साथ में किस तरह से प्रेशर बिल्डअप करते हैं होम बायर के ऊपर, और उनसे पैसा ले लेते हैं 51,000 रुपये, और बोलते हैं अभी आप 4 दिन में अगर 20 लाख नहीं भरोगे तो आपका पर डे इंटरेस्ट चालू हो गया। ना अलॉटमेंट लेटर का जिक्र है, ना उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, स्टैंप ड्यूटी ना ड्राफ्ट एग्रीमेंट, बोले रेरा की वेबसाइट में है। अरे जब बंदा आपके ऑफिस में आया तो आप उसको अप्रूव्ड प्लान दिखाओ कि दीज आर द अप्रूव्ड प्लान सेंक्शन, ये एग्रीमेंट का ड्राफ्ट है, आप अगर 20 लाख रुपया दे रहे हो, जबकि रेरा के हिसाब से 5 लाख रुपये के ऊपर अगर वो लोग पैसे लेते हैं 10%, 50 लाख का फ्लैट है, तो उनको पहले अलॉटमेंट लेटर इशू करना चाहिए और ड्राफ्ट एग्रीमेंट शेयर करके बाद में उससे पैसा मांगना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए डॉक्यूमेंट। बट फिर भी रेरा आने के बाद में भी बिल्डर किस तरह से गलीबल होम बायर्स जो बोलता हूँ उनको बेवकूफ बनाते हैं और आदमी ट्रैप में आ जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ सबवेंशन स्कीम ट्रैप के बारे में, हाउ बिल्डर्स लूल गलीबल होम बायर्स, यानी बिल्डर किस तरह से होम बायर को बेवकूफ बनाते हैं। बड़े बड़े शब्द में लिखा जाता है नो EMI टिल पोजेशन, तो आदमी सोचता है अरे ठीक है बिल्डर देगा EMI। जैसा एक घोड़े को गाजर दिखा के हम चलाते हैं, नहीं चलता है तो चाबुक मारता है, तो इसी तरह से मेरे फ्रेंड अयाज मर्चेंट को पहले गाजर दिखाया कि हम 2 लाख का डिस्काउंट देंगे, उनके पास 25,000 थे, तो बोले नहीं आज तो 50,000 आपको भरना है, आप जीपे करो कुछ भी करो, उन्होंने अपने लड़के से का ट्रांसफ़र करवाया। और जब हम बोले कि भाई अब 2 लाख का डिस्काउंट हमको कहाँ मिलता है, तो वो पेपर नहीं है, वो पेपर भी ऐसा दे रहे हैं वहाँ पर बिल्डर का नाम नहीं है, वो बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी ये मैटर सब्जुडाइज होने वाला है। लेकिन किस तरह से ये बिल्डर होम बायर को गाजर दिखाता है और फिर बाद में चाबुक चलाता है, तो ये जो आप कैप्शन भी देख रहे हो फिगर, ये कल ही रात को मैंने बनाया खास मेरे दोस्त के लिए कि भाई ये गाजर दिखाते हैं और फिर बाद में चाबुक मारते हैं। सम मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द सबवेंशन स्कीम आर नो इंसेंटिव फॉर टाइमली कंप्लीशन, यानी बिल्डर के पास में सबवेंशन स्कीम आने के बाद जब उसके पास पैसा आ जाता है तो उसके पास कोई इंसेंटिव बचता नहीं है कि मैं टाइम पे पूरा करके दे दूं। देखते हैं कैसे। वंस द बिल्डर रिसीव्स द मनीस दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव एंड इंटेंशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। द सबवेंशन स्कीम गिव्स एन अनफेयर एंड अनड्यू एडवांटेज टू द डेवलपर्स व्हाइल जिओडाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स। टाइम टू स्टॉप लेटिंग पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू, ये स्लाइड के बाद में आप कभी भी बिल्डर के ऑफिस में जाओगे तो थोड़ा ठंडा दिमाग में रख के जाओ, जो भी वो देता है उसको बोल भाई मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दे, गिव मी इन राइटिंग, नो ओरल सबमिशन। और आपके जो भी पढ़े लिखे दोस्त है या 5,000 या 10,000 कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या एडवोकेट के पास जाके वो टर्म्स एंड कंडीशंस को समझो और फिर अपना पैसा दो और फिर डॉटेड लाइन पे साइन करो, अदरवाइज यू विल बी टेकन फॉर अ राइड। हर बिल्डर आपको बेवकूफ बनाएगा, और आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्डर चीटर है। अरे आप खुद अपना पैसा देने को तैयार हो तो बिल्डर तो लेने को तैयार है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो खास मुझे, मैं अयाज मर्चेंट को भी 2 मिनट बोलने के लिए दूंगा मौका एंड ऑफ द दिस सेशन, तो आपको वो समझाएगा कि किस तरह से वो प्रेशर बिल्डअप करने में आया, और जो भी ओरल प्रोमिसिस थी वो बोलते हैं रिटर्न में किधर है। जब बिल्डर की हम सेल्स ऑफिस में जाते हैं तो बोले नहीं आप हमारे अंधेरी हेड ऑफिस में जाओ, कल मैं उनके साथ में अंधेरी हेड ऑफिस में गया, जब मैं लीगली बात करने लगा तो बोले यू आर नॉट अ क्लाइंट, विल ओनली टॉक टू द क्लाइंट, और क्लाइंट को ये बोलते हैं आप उधर ही मीरा रोड वापस जाओ। तो 51,000 रुपया देने के बाद में लाइक अ फुटबॉल फ्रॉम मीरा रोड टू अंधेरी एंड अंधेरी टू मीरा रोड, और ये कोई नज़दीक डिस्टेंस नहीं है आज के ट्रैफिक के हिसाब से। So this is how the builders are taking undue advantage and you should all be careful. Lucrative trap, मैंने danger की sign दिया है, किस तरह से वो lucrative trap है। Builders come out with fancy financing and investment schemes
the right financing scheme can make any real estate invention very lucrative, whereas the wrong financing scheme can end up giving disastrous results. Real estate developers have started using several different types of financing schemes to woo wary home buyers in the time of an industry slowdown. जब ये इंडस्ट्री का स्लो डाउन चल रहा है, वो लोग तरह तरह के से एक सेल्स टीम, CRM, ये वो बड़े बड़े व्हाट वाज दैट वर्ड फॉर द एजेंट, चैनल पार्टनर, जो एस्टेट एजेंट को वो लोग नया नाम दे देते हैं चैनल पार्टनर, और CRM टीम इस तरह से बेवकूफ बना के आपके जेब के पैसे ले लेते हैं, और बाद में आपको पछतावा पड़ना पड़ता है, फिर बाद में आपको समझ में आता है कि कितनी बड़ी मैंने मिस्टेक कर दी। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो स्कीम्स जो रहती है, इसका जो फाइनेंसिंग पार्टनर जो रहता है, जो फाइनेंस करता है, उसकी ऑफिस रहेगी किधर, गुड़गांव में या दिल्ली में या नोएडा में, वहाँ से आपको नोटिस आएगी डिफॉल्ट, और वहाँ पे कोर्ट में केस चलेगा, और आप नहीं जाओगे तो वहाँ से वारंट इशू होगा और पुलिस आएगी आपको यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए। तो आप समझ लो, अगर मुझे मुंबई से अगर गुड़गांव जाना पड़ रहा है या दिल्ली जाना पड़ रहा है मेरा केस डिफेंड करने के लिए, तो 50 लाख के फ्लैट के सामने मैंने जो 4-5 लाख रुपया भरा हूँ, उससे ज़्यादा तो मेरा आने जाना कोर्ट कचहरी और वकील के एंगेजमेंट में चले जाएगा। और ऐसे ऐसे पैराग्राफ डाल देते हैं, टर्म्स कंडीशंस डाल देते हैं एग्रीमेंट में कि ये आर्बिट्रेशन क्लॉज है इसके अंदर, और आर्बिट्रेशन विल बी ऑफ देयर चॉइस, एंड दैट आर्बिट्रेशन विल बी डन एट दिल्ली और एट गुड़गांव। आप समझ लो कि आज आपको अगर आर्बिट्रेशन जाना है दिल्ली के लिए, तो आप अगर राजधानी से जाओगे तो 2,500 रुपये जाने का, 2,500 आने का, वहाँ पे होटल में रुकोगे 5,000, वो वकील को एंगेज करोगे, फिर वो आर्बिट्रेशन की भी फीस आपको 50% देनी है, वो बोलेगा मेरा एक सीटिंग का 50,000 रुपये, तो 25,000 आप शेल आउट करो। तो इस तरह से ये सब जो क्लॉसेस जो हिडन रहते हैं इवन रेरा आने के बाद में, तो आपको सावधान रहना है, पेनी वाइज और पाउंड फुलिश नहीं बनना है। आपको जाके वो एग्रीमेंट की कॉपी आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट से पढ़ाना है कि इसमें ऐसा तो कोई क्लॉज नहीं है कि अगर कल डिस्प्यूट होगा तो मुझे दिल्ली या गुड़गांव का चक्कर काटना पड़ेगा। आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो इट शुड बी ऑफ मुंबई, नॉट ऑफ दिल्ली और गुड़गांव। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में इवन रेरा जो बोलता है कि देर हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंसी, फिर भी बिल्डर कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेता है और होम बायर को ट्रैप करता है। वन ऑफ द स्कीम्स दैट आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इज कॉल्ड सबवेंशन स्कीम। अ लार्ज नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम होम बायर्स आर यूजिंग दिस स्कीम टू अक्वायर देयर ड्रीम होम, हाउएवर दे आर नॉट अवेयर ऑफ द डेंजर एंड many pitfalls of this type of financings, जो मैंने danger का जो signal डाला है वो बहुत से लोगों को पता नहीं है। difference between subvention scheme and construction linked schemes, payments, उसका यह मतलब होता है कि अगर मैं construction linked रहता हूँ scheme, loan लेता हूँ, तो मेरी bank उसको monitor करेगी कि भाई आपने अगर 2 slab डाल दिया है 2 माला, तो हम 2 माले तक का पैसा आपको release करेंगे। उसके बाद में अगर दूसरे 2 माला डाला है तो 2 माला दूसरा और पैसा रिलीज करेंगी। इट विल बी एज पर द प्रोग्रेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट द बैंक विल कीप ऑन रिलीजिंग द पेमेंट, बट सबवेंशन स्कीम में ऐसा नहीं होता है। इन केस ऑफ सबवेंशन स्कीम्स द होम बायर पेज द मार्जिन मनी, यानी आप समझो 50 लाख का फ्लैट है, आपने 10% दे दिया 4-5 लाख रुपया, और स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का फीस डाल दिया 2-3 लाख रुपया, बाकी का जो पैसा है, द बैलेंस ऑफ द मनी ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ द फ्लैट इज गिवन ऑन द सेम डे टू द बिल्डर। द बैंक डिस्पोजेस द एंटायर लोन अमाउंट एंड क्रेडिट्स टू द डेवलपर ऑन द वेरी सेम डे। द डेवलपर गेट्स पेड इन फुल एट द वेरी सेम टाइम। इन रिटर्न द बिल्डर एग्रीज टू पे द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन लोन टू द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द होम बायर। बोरोवर लिखा है था, लेकिन दैट इज द होम बायर। हैंस द एंटायर मनी इज रिसीव्ड अपफ्रंट बाय द डेवलपर, whereas the home buyer owns nothing more than an agreement। home buyer के पास क्या रहता है, एक पेपर रहता है इस तरह का, एक एग्रीमेंट जो वो तिजोरी में रख के खुश हो जाता है, बट उसको पता नहीं है कि उसने घर पे टाइम बॉम्ब रखा है। डिफरेंस बिटवीन सबवेंशन स्कीम एंड द कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट्स। ऑन द अदर हैंड द कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट्स प्लान्स आर व्हेन द डेवलपर इज गिवन फिक्स सम्स ऑफ मनी ऑन द कंप्लीशन ऑफ सर्टन माइलस्टोन।
यानी माइलस्टोन का मतलब अगर दो माला बनाया तो दो माले तक का पेमेंट मिलेगा, चार माले तक बनाया तो चार माले तक का बनेगा. द वे दिस पेमेंट्स आर डिफाइंड कैन हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर ऑफ द बिल्डर्स. इफ द मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट्स आर गिवन बिफोर पोजेशन, इट इज लाइकली दैट द बिल्डर विल डिले पोजेशन. However, a lot of construction-linked payment plans give a lot of weightage to possession, and close to 25% of the payment is released after the possession is provided by a builder along with the occupation certificate. Into brackets. Why are builders pursuing subvention scheme? Builder subvention scheme क्यों push करता है? एक विरार के अंदर एक builder है. ऐसा वो फ्लैट 4400 के भाव में बेचता था, बट वो बोलता था आपको 20% देना पड़ेगा, आपको आपकी बैंक से फाइनेंस करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास से लोग है सबवेंशन स्कीम में तो मैं 10% बढ़ा दूंगा, 4800 में दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ 500,000 रुपये भरने के हैं और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का, बाकी आप पैसा आपकी EMI चालू होगी आपको पोजेशन देने के बाद में. लेकिन बिल्डर इस तरह से एग्रीमेंट बनाता है कि जिसमें लिखता है कि आफ्टर 24 months the EMI will be paid by the home buyer. अब पैसा लेने के बाद में उसने एक ईंट भी नहीं रखी है और लाइबिलिटी 50 lakh की होम बायर पे आ गई है. बैंक नोटिस इशू करेगा किसको? होम बायर को. अभी देखते हैं हम आग कैसे. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सबवेंशन स्कीम इज बेस्ड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द इंडिविजुअल होम बायर. यानी जो पहली टाइम लेता है, जिसको इग्नोरेंस नहीं है, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, वो आदमी इसमें फंस जाता है. मोस्ट डेवलपर्स हैव हैवी डेब्ट बर्डन्स. अगर आप आज कोई भी बिल्डर की बैलेंस शीट खोल के देखोगे जोबा के उस साइड के ऊपर जाके, तो उनका एक डेब्ट बर्डन है. तो बैंक उनको लोन नहीं देती है, और बैंक अगर लोन देगी तो वो हायर इंटरेस्ट चार्ज करेंगी, 18% 15% इस तरह से चार्ज करेंगी. देयर बैलेंस शीट्स ऑलरेडी कैरी अ लॉट ऑफ डेब्ट. बैंक्स आर नॉट विलिंग टू ऑफर मोर डेब्ट अंटिल दे चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक 18%. इट इज देयरफॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिल्डर टू बोरो मनी ऑन अकाउंट ऑफ द होम बायर. तो बिल्डर क्या करता है, एक तरीका निकालता है कि होम बायर के नाम पे वो लोन लेता है. द बैंक विल नॉट गिव द बिल्डर अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउएवर दे मे ऑफर द सेम टू द होम बायर्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्रेडिट रेटिंग्स. मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द सबवेंशन स्कीम आर एज़ फॉलोज. नो इंसेंटिव फॉर टाइमली कंप्लीशन. Once the builders receive the monies, they don't have any incentive to complete the project on time. This is particularly true in case the builder has agreed to pay interest only for a specific period. After the period lapses, the builder stops making payments regardless of whether or not the possession has been given to the home buyer. Builder ko usse koi farak nahi padta hai, wo apna EMI dene ka band kar dega. फ्लैट बना है या नहीं बना है, ऑक्यूपेशन आया है नहीं आया, पोजीशन दिया है नहीं दिया, क्योंकि उसके क्रेडिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिबिल का क्रेडिट स्कोर किसका खराब होता है? होम बायर का. द सबवेंशन स्कीम गिव्स एन अनफेयर एंड अनड्यू एडवांटेज टू द डेवलपर्स व्हाइल जेपर्डाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द होम बायर्स एज वेल एज सिबिल स्कोर गोज फॉर अ टॉस. यानी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मेरा एक फ्रेंड है जिसने विरार में एक बिल्डर के पास से लिया था सबवेंशन स्कीम. 40 lakh की लोन हो गई, उसने तो एक पैसा लिया नहीं, और बिल्डर ने वो आज 5 साल हो गए एक ईंट भी नहीं रखा है. नोटिसेस किसको आ रही है? होम बायर को, बिल्डर को नहीं आ रही है. अब अगर उसको होम लोन भी लेना है, दूसरी बैंक में जाएगा तो बोलेगा आपका तो सिबिल स्कोर खराब है, आपने तो पहले ही 40 lakh रुपये की लोन ली है, वो जो अभी तक आपने भरी नहीं है. अरे वो बोले वो तो लोन लिया है बिल्डर ने, लेकिन ऑन पेपर आप कौन लोन ले रहा है? आप ले रहे हो. बिल्डर तो आपको बोलता है जब तक पोजेशन नहीं रहेगा तब मैं EMI दूंगा, लेकिन कहीं पे वो लिख देता है मैं 24 महीने तक ही दूंगा या 36 महीने तक दूंगा, उसके बाद वो EMI बंद कर देता है. या समझो उसने लिखा है टिल द डेट ऑफ पोजेशन, लेकिन वो पोजेशन नहीं दे रहा और EMI बंद कर देता है. आप बैंक के लिस्ट में तो आ गए एज एन डिफॉल्टर, बिल्डर तो नहीं आ रहा है डिफॉल्टर. तो ये काफ़ी सारी जालसाजी होती है, तो जिससे आपको बच के रहना है. डाइवर्जन ऑफ फंड्स. इट इज एक्सट्रीमली एंड मोस्ट लाइकली दैट द बिल्डर्स विल डाइवर्ट फंड्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट. सच डाइवर्जन ऑफ फंड इज नॉट एथिकल. हाउएवर देयर आर नॉट एनी लॉस प्रिवेंटिंग दिस फ्रॉम हैपनिंग. दिस डाइवर्जन्स अलाउज डेवलपर टू स्टार्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली इवन दो they are not able to complete any one of them.
on time. Individual home buyers bear the cost of the delay, which is done by the developer. Home buyers credit rating hits a severe fall. आप देख रहे हो, ये बेचारा एक common man है, वो push कर रहा है कि किस तरह से मैं मेरी credit rating बढ़ाऊं ताकि मेरे को loan मिल सके, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं है. In case the developer stops making payment to the bank on account of loan, their record is not affected. Builder को कोई फर्क नहीं पड़ता है. The loan shows up on the borrowers, यानी home buyer जो है उसके personal account पे वो pending दिखती है. As such, builders do not have to pay these loans on their account. EMIs are not their priority. As a result, they often delay or even default on these loans. The negative effect of this reckless action is borne by the buyer's credit rating. The credit rating of the buyer can take a severe fall thanks to the subvention scheme. Lack of exit option. Subvention scheme mein, it's a one-way traffic. Ek baar aap andar ghus gaye, aapke paas exit ka koi option nahi rehta. The entire scheme is riddled with problems. We advise home buyers not to prefer the subvention scheme. It is for this reason few home buyers prefer this scheme and have no options to exit. This decision makes it an illiquid investment that devours a significant amount of cash and poses a great risk to the home buyers. It is for this reason that subvention schemes are considered harmful to the financial health of the home buyers. Play safe. Go for home loans which have construction-based linked payment plans. The best way to buy a home is to avoid this type of complicated financing deals. Good old-fashioned financing, that is construction-based linked payments plans, that has been tried and tested for decades and provides a fair opportunity to both the parties involved. Thank you. Stay safe. Stay blessed. Don't fall into lucrative trap. These are my contact details and the link of this PTD will be available on the video's description down. And if you are watching this video for the first time, like, subscribe and share. When you subscribe or click the bell button, whenever this video is uploaded, you will get a notification and you can watch this video. Thank you. Thank you very much. सुलेमान भिवानी जी, एक आपने बहुत अच्छे से बेबाकी से ये बताया और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों की आंखें खुलेगी और आगे ये वीडियो जरूर देखें जो यदि फ्लैट लेना चाहते हो सबवेंशन स्कीम से बिल्डर की दबावने में. और एक जो एक विक्टिम हुए हैं मुंबई आईएस मर्चेंट, आईएस मर्चेंट साहब, वो खुद अपनी आप बीती बताएंगे हमारे इस फोरम के, जस्टिस फोरम के स्टूडियो में. तो मर्चेंट साहब बताइए आपके साथ क्या हुआ जी. मैं एक मीरा रोड के अंदर इरादा रखता था फ्लैट लेने का बहुत दिनों से. तो मैंने, मुझे एक कॉल आया एक एजेंट का, जिसने कहा कि भाई आप इरादा रखते हो फ्लैट लेने का. तो मैं बोला कि हाँ मैं इरादा रखता हूँ. तो मुझे बताया गया कि आप आइए मुझे मीरा रोड पर. मैंने कहा मीरा रोड पर? तो मुझे कहा कि मीरा रोड पर आइए, मैं आपको एक बड़े अच्छे डेवलपर के पास ले जाता हूँ, वहाँ आपको एक अच्छा मकान मिलेगा. तो मैं उनके साथ में पहली बार बात किया और इतफाक से मैं चलेगा उनके साथ, ये सोच के कि चलो एक बड़ा डेवलपर है तो मैं उनसे मकान खरीद लूँ. वहाँ मैं गया, मेरी वाइफ के साथ मैं गया था. तो मुझे बताया गया कि भाई ये देखिए ये स्कीम है. मैंने कहा कि दिवाली तक का ये स्कीम थी, 2 लाख डिस्काउंट मिलने वाला था, वो अगर आप मुझे देते हो तो मेरे को इंटरेस्ट है ये फ्लैट लेने में. तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं आपको 2 लाख रुपये डिस्काउंट दिला देंगे. तो जहाँ पर जो सेल्स पर्सन थे उन्होंने थोड़ी देर में जहाँ टेबल पर बैठा है, मेरी वाइफ मेरे बाजू में बैठी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप रुक जाइए, ये जाने दिवाली डिस्काउंट के लिए हमें हमारे सीनियर लोगों को मिलना पड़ेगा. तो मुझे 5-10 मिनट के लिए छोड़ के चले गए. मेरे साथ मेरा एजेंट भी बैठा था वहाँ पर, तो उन्होंने सारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि ये रेट है आपका, आप हमें आपको 2 लाख कम करके दे देते हैं. आप पहला उसके लिए आपको पहला 51,000 का हमें ऑन द स्पॉट पैसा देना होगा. तो मैंने कहा मैं इरादा नहीं रखता था आज आके लेने का मकान, मैं तो खाली देखने आया था कि किस तरीके का आप मकान दे रहे. तो उन्होंने कहा कि ये स्कीम अभी ही लेना होगी, आज ही इसी वक्त, अगर कल आओगे तो ये स्कीम नहीं मिलेगी. तो हमने सोचा कि भाई 2 लाख का फायदा हो रहा है तो चलो स्कीम अभी ले ले. तो मैंने कहा कि मैंने चेक तो नहीं लाया. तो बोला चेक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे भी कर सकते हो, जो भी आपके पास ऑनलाइन पेमेंट हो करिए. तो मुझे ऑनलाइन पेमेंट आती नहीं थी, मेरे पास ऑनलाइन का कार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था. बोले स्वाइप से भी करो. फिर कैसा ऐसा करके मैंने कहा कि देखते, मैंने मेरे लड़के से कहा जो मुंबई में अंधेरी में था, तो उन्होंने कैसा करके जुगाड़ करके ने उन्होंने 51 लाख का ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे से बिल्डर को दिया.
तो मैंने कहा कि भाई इसकी रिसीट तो दे दो, तो बोले रिसीट इसकी नहीं भी मिलेगी, आपको एक वेलकम नोट आएगा। तो मैंने कहा सर आपने 51 लाख का अभी स्वैप करके ले लिया तो हमें कुछ लिख के दो, तो उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया, एक कौन सा एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जिसमें मैंने साइन कर दिया, फॉर्म मेरे सामने उन्होंने भरा भी नहीं, बाद में भरे, थोड़ा बहुत भरे नहीं भरे, और एक पीछे साफ कागज़ के ऊपर मेरी साइन ले ली और कहा कि बस ठीक है भाई आप जाइए, आपको एक SRM के पास से एक आपको फ़ोन आएगा। तो मैंने जब भी वो फ़ोन आया तो मैंने कहा कि आपने मुझसे 51 लाख लिए हो, 51 हज़ार लिए हो, तो आप मुझे एक उसकी नोट तो पहला भेजे। तो उन्होंने नोट भी 2-3 दिन के बाद भेजे ऑनलाइन ऑन ईमेल, तो ईमेल का कुछ नंबर में भी कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी, उन्होंने चेक नहीं किया बराबर, तो काफ़ी दिन तक का वो मुझे वो नोट भी नहीं है वेलकम नोट। उसके बाद में फिर मुझे कहा कि आपको 7 दिन में 2 लाख लेने का, तो 7 दिन में आपको 25 लाख देना होगा और 15 दिन में आपको और 20 लाख देना होगा। तो हमने कहा कि ठीक है ये हम सोचेंगे इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद में जब हम नेक्स्ट टाइम गए उनके पास पेमेंट थोड़ी बहुत देने के लिए, तो उनसे हमने कहा कि हमारे को हमारी एग्रीमेंट तो बताइए, एक ड्राफ्ट कॉपी तो दीजिए। तो कहा कि पहला आपको स्टैम्प ड्यूटी भर दो, पहला पैसा दे दो, जो टर्म में आपने डील किया वो दे दो। तो फिर हमने कहा कि नहीं भाई हमें आगे नहीं बढ़ने, तो अभी हमें कहा गया कि आपको ये जितने मसले आप अंधेरी में हमारी हेड ऑफिस में जाइए वहाँ सॉल्व करेंगे। तो हमारे दोस्त बीमारी साहब है हम उनको भी लेके गए, तो उन्होंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया, कहा कि आपके साथ हमने डील करी आप बात करिए। फिर हमें कहा कि अभी वापस से आप मीरा रोड जाइए वहाँ पर जाके सॉल्व करिए। तो हमने कहा कि उन्होंने तो कहा कि आप अंधेरी ऑफिस में जाइए वहाँ से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो उन्हें हमारा एक भी सॉल्व हुआ है, अभी हमें स्कीम में इंटरेस्ट भी नहीं है, अभी हम देखते हैं क्या करना है आगे, हम हमारे सर से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मर्चेंट, मिस्टर भीमान। देखा आपने दोस्तों, आप तमाम जो ऑडियंस देख रहे हैं कि किस तरह से मिस्टर मर्चेंट के साथ में 51,000 में, आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, 51,000 इन्होंने स्टार्टिंग में जो अमाउंट दिया था उसके बाद किस तरह से मीरा रोड अंधेरी अंधेरी मीरा रोड इनको घुमाया जा रहा है एज ए कस्टमर एज ए होम बायर, जबकि रेरा जैसा मजबूत कानून है। आप अवेयर होइए, एजुकेट होइए, तमाम ऐसे सब्जेक्ट पर हम आगे फ्यूचर में भी ऐसे रेरा और तमाम विषय को लेंगे। और काफ़ी सारे मैसेज लाइक आ रहे हैं वीडियो को, अफजल मोहम्मद साहब देख रहे हैं, रोहित तांबे साहब, सलीम सिद्दीकी साहब, गुड इवनिंग, प्रभु साहब के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल प्रभु, हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की टीम से एडवोकेट किरण साहब बताएंगे अभी ई कैटेगरीज जो होते हैं CHS में इलेक्शन उसके बारे में बताने वाली है। तो आप जो भी देख रहे हैं जनाब सलीम सिद्दीकी साहब, बिल्कुल तो अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, पहले से एडवांस में आप लोग 5 बजे के पहले 4 बजे के पहले जुड़ गए, उसके लिए भी नोमैन अंसारी साहब, नेक्सेस अंकल, हनीफ शेख, निनाद भट्टे जी और दलीप कसेलकर साहब, बीमल कांति दास जी, जावेद एकीब, जावेद सलीम, मिस्टर वेली, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं। सलीम सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं इशूज़ रिलेटेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हम मंथ के पहले जो सैटरडे आएगा वो हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, रीडेवलपमेंट है, रिकवरी ड्यूज है, पार्किंग है, मेंबरशिप से, ट्रांसपोर्ट फीस है, रेरा है, इलेक्शन से, कंज्यूमर से, अलग अलग रिलेटेड रेरा महाडा वगैरह। तो आज हम ये कवर किए, पहला तो बिल्डर से रिलेटेड रेरा से बड़ा महत्वपूर्ण किस तरह से ठगे जाते हैं, दूसरा इलेक्शन से हम जानेंगे, इलेक्शन इन ई कैटेगरीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इस पर हम जानेंगे एडवोकेट किरण साह से जो हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी की टीम से हैं, एडवोकेट हैं। तो किरण जी आप इस विषय पर बताइए लोगों को, जनता को, जो लाइव काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग जुड़े हुए अभी, और कुछ समय बचता है तो हम कुछ सवाल भी लेंगे, सवाल का डिमांड हो रही तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर भी लेंगे लास्ट में, काफ़ी सारे हो। हाँ, और हमारे स्टूडियो में थोड़ा मूव करके हम पॉसिबिलिटी हो तो देख सकते हैं कुछ जनता जनार्दन मुंबई के जो काफ़ी सारे न्याय के लिए लड़ रहे हैं, SRA का मामला हो, तमाम अलग अलग विषय को लेकर यहाँ पे हमारे स्टूडियो में, हमारे जस्टिस फोरम के स्टूडियो में मौजूद है, तो उन लोगों का भी इन फ्यूचर हम ये जो सिलसिला है और ये दूसरे हफ्ते में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, तो महासेवा, जस्टिस फोरम, सिटीजन जस्टिस फोरम, सुलेमान भाई और MNS मीडिया और अथक सेवा संघ का मतलब कहीं ना कहीं प्रयास, एक कदम हमने बढ़ाया तो लोगों ने भी 2-4 कदम बढ़ा रहे, तो आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया के साथ में मैं आगे का जो हमारा दूसरा आज का विषय इम्पोर्टेंस है, इलेक्शन ई कैटेगरीज इन CHS, तो इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगी। आपको बता दूं ABCDE जो कैटेगरीज है, और ई कैटेगरीज लेटेस्ट है, अमेंडमेंट हुआ 2019 में, तो काफ़ी, और 2 साल से तो काफ़ी इलेक्शंस वगैरह कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में नहीं हो रहे, तो लोगों में बड़ी भ्रांतियाँ हैं, बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या है नई चीज़ें,
और किरण जी मैं चाहूंगा कि ई कैटेगरीज और कैटेगरीज वगैरह क्या क्या होती है, ई कैटेगरीज की क्या हाइलाइट्स है, साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है और ये इसमें किस तरह से इलेक्शंस वगैरह अभी तो ऑनलाइन के जगह रूबरू भी फिजिकल हो अलो किया गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आप इसके बारे में बताइए जनता को। प्लीज वेलकम किरण साहब जी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सुलवन विमानी जी फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। किसी वजह से प्रभु सर तो नहीं आ पाए, बट आई एम द पैनल एडवोकेट फ्रॉम महासेवा जो आई एम बीन गाइडेड बाय प्रभु सर फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। सो पहले तो इलेक्शंस, अभी आप भी जान रहे हो कि 3-2 साल से इलेक्शंस को लेके काफ़ी रुके हुए लोग की सोसाइटी में इलेक्शंस नहीं हो रहे। अभी मैनेजिंग कमेटी जो सोसाइटी की होती है उनका टर्म यूजली 5 इयर्स होता है। काफ़ी सोसाइटीज़ मुंबई में ऐसी है जिनका 5 इयर्स का टर्म ऑलरेडी फिनिश हो चुका है और कोविड में इलेक्शंस भी नहीं थे, तो वही कमेटी कैरी ऑन कर रही थी जब तक न्यू इलेक्शंस रूल्स नहीं फ्रेम होते हैं। अभी अर्लियर अभी तक का हम 2014 के रूल्स के बेसिस पे ही इलेक्शंस कंडक्ट करते आ रहे थे। 2014 में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इलेक्शन टू कमिटी रूल्स 2014 दिया गया था, उसके हिसाब से टाइप सी और टाइप डी सोसाइटीज़ के इलेक्शंस होते थे। वॉट वॉज टाइप सी उस टाइम पे? टाइप सी मतलब जो सोसाइटी में 200 से ज़्यादा मेंबर्स है वर रिकग्नाइज एज टाइप सी सोसाइटीज़, एंड टाइप सी डी वर्स जिसमें 200 से कम मेंबर्स होते हैं। ऑल ऑफ सडन 2019 में अमेंडमेंट आ गया एक्ट में, दैट वॉज ऑन 9th March 2019, जिसमें यह कहा गया कि अभी जो भी सोसाइटी में 250 से कम मेंबर्स है, 250 और लेस देन 250 मेंबर्स, वहाँ पे इलेक्शंस इंटरनली होंगे। दिस वाज ओनली डेफिनेशन दैट हैज कम, बट आगे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि अगर आप इंटरनली लोगे तो इंटरनली कौन लेने वाला है, बिकॉज 2014 के रूल के हिसाब से हर सोसाइटी जहाँ पे 200 से कम है या 200 से ज़्यादा है इलेक्शंस होता था स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के अंडर। वो आते थे आपके सोसाइटी में, आप उनको अप्रोच करते थे एंड दे यूज टू कंडक्ट इलेक्शंस, वेदर यू हैव 10 members, whether you have 20 members, or whether you have 500, 600 members. But election authorities को भी काफ़ी दिक्कतें आने लगी और इस वजह से amendment आ गया कि if you have more than 250 members, तो आपकी election अभी internally conduct होगी। But how? Internally कैसे करोगे आप? वो एक साइलेंट क्वेश्चन मार्क आके चीज़ें काफ़ी उस जगह पर रुक गई थी। फिर 2-3 टाइम निकलते गया और एक साल इसी रूल्स फ्रेमिंग में चला गया, काफ़ी ड्राफ्ट रूल गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किए, उसमें अमेंडमेंट्स हुए। फाइनली ऑन अप्रैल को गवर्नमेंट हैज कम आउट विद न्यू रूल्स जिसमें उन्होंने कहा कि आप सितंबर से इलेक्शन स्टार्ट कर सकते हो। अभी व्हाट आर दैट रूल? बेसिकली देयर इज अ न्यू डेफिनेशन कम अप। बेसिकली पहले कैटेगरी थी सी एंड डी, नाउ डी इज बीन डिलीटेड, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज फॉर सोसाइटीज, सी एंड ई सोसाइटीज। सी में जिसमें 250 से ज़्यादा मेंबर्स है, एंड डी ई टाइप ऑफ सोसाइटीज इज बेसिकली जिसमें यू हैव लेस देन और अप टू 250 मेंबर्स इन योर सोसाइटी। बट वेन आप पता कैसे करोगे कि यू फॉल अंडर विच कैटेगरी, वेदर यू फॉल अंडर टाइप सी कैटेगरी और वेदर यू फॉल अंडर टाइप ई कैटेगरी? तो इस चीज़ के लिए आपको आपका प्रिसीडिंग ईयर 31st of March का IOJ रजिस्टर चेक करना है, बिकॉज सोसाइटी में कितने मेंबर्स है दैट इज गवर्न बाय INJ रजिस्टर्स। अब ये दो रजिस्टर्स में आपके टोटल लिस्ट ऑफ मेंबर्स अगेंस्ट रिस्पेक्टिव फ्लैट दिए जाते हैं, तो दैट विल मेक यू नो दैट आपके सोसाइटी में कितने मेंबर्स है। तो टू नो विथ आप कौन से क्राइटेरिया में फॉलो होते हो, वेदर फॉलिंग अंडर क्राइटेरिया ऑफ सी सोसाइटी जिसमें 250 से ऊपर मेंबर्स होते हैं, और वेदर यू आर फॉलिंग अंडर टाइप ई कैटेगरी ऑफ सोसाइटी जहाँ पे यू हैव लेस देन और अप टू 250 मेंबर्स इन द सोसाइटी, तो पहले आपको वो चेक करना है। तो बेसिकली अगर आप टाइप ई के सोसाइटीज़ में आते हो तो टाइप ई सोसाइटीज़ के न्यू रूल्स आ चुके हैं, देयर इज न्यू अमेंडमेंट इन द रूल। जो 2014 के रूल्स थे उसी में अमेंडमेंट आ गया है, दैट इज महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इलेक्शन कमेटी अमेंडमेंट रूल 2019। तो बेसिकली जिसमें ज़्यादा मेंबर है मोर देन 250 दे हैव द सेम रूल, उनको अभी भी इलेक्शन अथॉरिटी को अपॉइंट करना है और उनके थ्रू ही इलेक्शन होगा जिसे पहले हुआ करता था। चेंजेस हुए हैं टाइप ई टाइप ऑफ सोसाइटीज में जिसमें लेस देन 250 मेंबर्स है, तो इसमें अभी दे हैव कम आउट वेरी क्लियर स्पेसिफिकेशंस कि अगर आपको इंटरनली करना है तो आपको इंटरनली कैसे करना है। बेसिकली दो ऑप्शंस दिए गए हैं, द इलेक्शन विल बी डन थ्रू अ रिटर्निंग ऑफिसर। अभी क्वेश्चन आता है हु इज अ रिटर्निंग ऑफिसर, वेदर इट इज अ मेंबर ऑफ योर सोसाइटी, वेदर इट्स एक्सटर्नल एजेंसी, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। नाउ सबसे पहले तो जब आप बोलते हो आपको इंटरनली करना है तो आपको किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं, आपको पहले ये देखना है कि इन योर सोसाइटी इज समवन रेडी टू एक्ट एज अ रिटर्निंग ऑफिसर, पहले आपको वो चेक करना होता है। तो इन द नंबर ऑफ इन द सोसाइटी जितने भी आपके मेंबर्स है उसमें से किसी एक को आप रिटर्निंग ऑफिसर बना सकते हो विद देयर विलिंगनेस एंड देयर कंसेंट। यू कैन नॉट प्रेशराइज एनीवन इफ समवन इज रेडी टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज टू गेट द इलेक्शन कंटेस्टेड, टू इलेक्ट द मेंबर्स, ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको नॉमिनेशन रिसीव करने होते हैं, आपको
IRJ registers check karne hote hai, and number of responsibilities are casted upon the returning officer. So whether any member is ready to be a returning officer of a society, whether they take up the responsibility to elect the managing committee, to be available for the members, ये आपको check करना है. ये आप कैसे check करोगे? पहले तो आप circular लगाओगे society में and you will be inviting the applications. Now what are the criteria? There are criteria. आप किसी को भी तो returning officer नहीं बना सकते. So the criteria are, firstly that member should not be an auditor, that member should not be a employee of your society. Third thing is, वो आपकी जो past committee, अभी जो आपकी committee गई है just, जिसका term just finish हुआ, he should not be a member of that past committee. And the fourth is, he should not be ready to contest the election. I mean, you cannot become a part of present managing committee and also a returning officer at the same time. अगर आपको returning officer बनना है, तो आप इस साल के elections में contest नहीं कर सकते. So these are the criteria. If someone is ready to come ahead and be a part of be a returning officer for the society and take up this responsibility, you can very well accept their application and appoint them as a returning officer. This is the first thing. इस केस में क्या होगा, अगर आपका रिटर्निंग ऑफिसर आपके ही सोसाइटी का है, यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसी, आपकी पूरी की पूरी इलेक्शन का प्रोसीजर आपके सोसाइटी में ही होगा विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स, विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर मेंबर्स एंड द रिटर्निंग ऑफिसर. नाउ फर्स्टली अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर तो बन गए, नाउ ही बीइंग अ लेमैन, ही इज नॉट अवेयर ऑफ द न्यू रूल्स या कैसे आपको इलेक्शन करना है, क्या करना है. तो फर्स्ट थिंग इज, ही नीड टू गेट अ ट्रेनिंग फ्रॉम वन ऑफ द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, जो आपको इलेक्शन के बारे में सब कुछ बताएंगे, एंड यू विल बी ट्रेन कि हाउ डू यू हैव टू प्रोसीड फर्दर. वंस यू आर ट्रेन, यू बिकम एलिजिबल टू एक्ट एज अ रिटर्निंग ऑफिसर. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप. अदर देन दिस, देर आर सोसाइटीज वेर पीपल नॉट लिटरेट और सीनियर सिटीजन है, दे आर रेडी टू कम अहेड एंड टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आप चेक कर लीजिए. इफ नो वन इज रेडी, इन दैट केस यू हैव नो अदर ऑप्शन but to approach and take a returning officer from any other part. So who is, what is that other part? The other part is that DJR has come up with a panel of returning officers that are professionals. Basically, they are advocates, they are chartered accountants, they are GDCA members. So in that case, they are the professionals. So they are empaneled returning officers of Divisional Joint Register. तो उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो उनमें से आप किसी एक को रिटर्निंग ऑफिसर करके सिलेक्ट कर सकते हो. उनके नेम, देयर नेम्स, देयर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एवरीथिंग अवेलेबल. तो आप किसी को भी देख लीजिए, यू कैन आस्क देम फॉर देयर कोटेशन, और जो भी कोटेशन आपको सही लगता है या जो आपको लगता है कि दिस पर्सन कैन टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्टिंग एज रिटर्निंग ऑफिसर, यू कैन अपॉइंट देम टू एक्ट एज रिटर्निंग ऑफिसर. अगेन हियर, अगर वो पैनल के भी रिटर्निंग ऑफिसर, इवन देन ही हैज टू गेट अ ट्रेनिंग फ्रॉम द नोटिफाइड इंस्टीट्यूट. सो दिस इज अ मस्ट क्राइटेरिया कि whenever you appoint a returning officer, so the managing committee has to firstly take the certificate from them. पहले आपको उनसे एक certificate लेना है, which you can ensure कि हाँ, this person has been eligible to act as a returning officer. That is the first thing. Now, अभी managing committee का role, once you tell कि elections conduct करना है, तो managing committee, जो previous committee, आपका role कब खत्म होता है, कहाँ तक होता है, that is the first thing. नाउ आपका रोल तब तक होगा जब तक आप प्रोविजनल लिस्ट नहीं बनाते. जब आप बोलते हो इलेक्शंस में ऑब्वियसली एवरी मेंबर हैज अ राइट टू वोट, तो वहाँ से आपका बिगिन होगा कि वोट कौन कर सकता है, राइट. अभी आप न्यू ऑफिस पेरस इलेक्ट करोगे, न्यू मैनेजिंग कमेटी इलेक्ट करोगे, तो उसमें कमेटी मेंबर्स आएंगे जिनको आप वोट करके इलेक्ट करवाओगे, राइट. तो पहले तो चीज़ ये आ जाएगी कौन वोट कर सकता है. नाउ एवरी मेंबर हैज अ राइट टू वोट, दिस इज अ फर्स्ट थिंग. वन मेंबर वन वोट, एवरी मेंबर. अभी एवरी मेंबर का डेफिनेशन भी चेंज हो गया है 2019 के अमेंडमेंट में. डेफिनेशन ऑफ मेंबर्स आर आल्सो चेंज्ड. अभी चार टाइप के मेंबर्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज अ प्राइमरी मेंबर, वी कॉल इट एज ओरिजिनल मेंबर, देन कम्स अ जॉइंट मेंबर, द प्रोविजनल मेंबर एंड एसोसिएट मेंबर. ये भी चार टाइप के क्राइटेरियाज है फॉर मेंबर्स. तो दिस आर द पार्ट ऑफ मेंबर्स, एवरी वन हैज राइट टू वोट. नाउ अभी प्रोविजनल जो आपकी मैनेजिंग कमेटी होगी, जो प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी है, आज आप जो हो, सपोज आपका टर्म ऑलरेडी खत्म हो गया, बट यू नो कि जब तक न्यू इलेक्शंस नहीं होते, न्यू मैनेजिंग कमिटी इन पिक्चर नहीं आती है, आपको कंटिन्यू करना है एंड यू हैव टू असिस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर टू गेट द न्यू मेंबर्स इलेक्टेड. तो आपका रोल क्या है? फर्स्ट थिंग, आपको IRJ रजिस्टर के हिसाब से प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स बनाना है. अभी काफ़ी ऐसे ट्रांसफर्स हुए होंगे लॉकडाउन के पीरियड में, जब मेंबर्स ने एप्लीकेशन के मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया होगा, या कोई एक्सपायर हो गया होगा. इन नंबर ऑफ सोसाइटीज में ऐसा हुआ है, दैट मेंबर है व्हाट एक्सपायर्ड या समथिंग. तो इलेक्शन इज डन विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स, राइट, और ईच एंड एवरी वोट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंबर्स. तो इस केस में आप पहले आपके IRJ रजिस्टर्स अपडेट कर दीजिए. वो आप कैसे अपडेट करोगे? यू विल मेक एन यू विल इन्वाइट एप्लीकेशन फ्रॉम द मेंबर्स कि वी आर अबाउट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, एंड अगर आपको एसोसिएट मेंबरशिप लेनी है, या आपको जॉइंट मेंबरशिप लेनी है, या आपको प्रोविजनल मेंबरशिप, सपोज के पर्टिकुलर फ्लैट के अगेंस्ट कोई एक्सपायर हो गया,
तो आप सोसाइटी के देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज ऑफ टुडे, क्योंकि ओरिजिनल मेंबर एक्सपायर हो गया, तो यू कैन आस्क द लीगल हैज टू कम अहेड एंड गेट अ प्रोविजनल मेंबरशिप. तो आपके आई और जो रजिस्टर्स अपडेट हो जाएंगे, यू विल गेट द मेंबरशिप. बिकॉज अगर मेंबर ही नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ही नहीं है टू द सोसाइटी, दे हैव नो राइट टू वोट, राइट? तो पहले आप आई और जे रजिस्टर अपडेट कर लीजिए, उनके मेंबरशिप लेके आप शेयर सर्टिफिकेट में अपडेट करोगे, आप उनको मेंबरशिप ग्रांट करोगे. वंस योर आई एन जे रजिस्टर अपडेटेड, देन द प्रोविजनल मैनेजिंग कमिटी विल बी प्रिपेयरिंग द मैनेजिंग कमिटी विल बी प्रिपेयरिंग द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स. जो फॉर्म E3 में प्रोविजनल लिस्ट बनाओगे, एंड योर ड्यूटी एज अ मैनेजिंग कमिटी, योर ड्यूटी इज टू सर्कुलेट द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स टू द रजिस्ट्रार, राइट? और जो रिटर्निंग ऑफिसर आप अपॉइंट करोगे उनको. जहाँ यहाँ तक आपका मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिस दिन आप प्रोविजनल लिस्ट नोटिस बोर्ड पर सोसाइटी के लगा देते हो, आप रजिस्ट्रार को भेज सर्कुलेट कर देते हो, योर ड्यूटी इज ऑफिशियली इट इज सेट टू बी फिनिश्ड, कि चलो आपका ड्यूटी खत्म हो गया, नाउ द रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर स्टार्ट्स बेसिकली. बट इट इज एक्सपेक्टेड द मोस्ट कोऑपरेशन फ्रॉम योर साइड. तो यू कैन, इट इज ऑलवेज ओपन कि इफ यू आर विलिंग टू हेल्प द रिटर्निंग ऑफिसर टू प्रिपेयर द फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स, या आप अगर उनको असिस्ट करना चाहते हो, यू वेरी वेल, यू आर वेलकम टू असिस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर, बिकॉज ही मे बी अ पर्सन आउटसाइड योर सोसाइटी, या अगर आपके सोसाइटी के भी मेंबर है हु इज एक्टिंग एज रिटर्निंग ऑफिसर, ही इज नॉट नोन टू ईच एंड एवरीथिंग द वे यू आर नोन टू द रजिस्टर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग. तो आप उनको असिस्ट कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स. नाउ बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट आर द रोल्स ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, वॉट आर द रोल्स, क्या वॉट आर द ड्यूटीज ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर. नाउ फर्स्टली अगर आप रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करते हो, वेदर इट इज फ्रॉम योर सोसाइटी और फ्रॉम द पैनल ऑफ DGR, द फर्स्ट कम्स दैट वॉट आर यू गोइंग टू पे देम. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिटर्निंग ऑफिसर. इफ यू आर अपॉइंटिंग फ्रॉम द DGR पैनल, दे मे गिव यू देयर कोटेशंस, सो यू हैव टू अप्रूव इट. एनी अदर कोटेशन इज सुटेबल टू यू, एनी अदर रिटर्निंग ऑफिसर इज सुटेबल टू यू, आपको उनका कोटेशन अप्रूव करना है. एंड ऑल द एक्सपेंसिस विद रिस्पेक्ट टू दिस विल बी बोर्न बाय द सोसाइटी एट देयर कॉस्ट. अगर आप इंटरनली भी अपॉइंट कर रहे हो, तो ही मे आस्क यू फॉर समथिंग, बिकॉज इट इज वेरी लॉ इज वेरी साइलेंट, रूल्स इज वेरी साइलेंट, तो दे मे डिमांड समथिंग, सो दैट यू हैव टू अप्रूव एंड पे देम अकॉर्डिंगली, एंड ही मे स्टार्ट विद हिज ड्यूटी. नाउ व्हाट आर द मेन ड्यूटीज ऑफ अ रिटर्निंग ऑफिसर? बेसिकली द रिटर्निंग ऑफिसर, चलो प्रोविजनल लिस्ट इज प्रिपेयर बाय मैनेजिंग कमिटी, बट द रिटर्निंग ऑफिसर कैन नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट द लिस्ट प्रिपेयर बाय द मैनेजिंग कमिटी. हिज ड्यूटी इज टू फर्स्टली चेक वेदर द प्रोविजनल लिस्ट इज बी सर्कुलेटेड टू द रजिस्ट्रार. द रजिस्ट्रार को प्रोविजनल लिस्ट मैनेजिंग कमिटी ने फॉरवर्ड किया है या नहीं किया है, अगर इफ इट इज नॉट डन, ही हैज टू डू इट. सेकेंड थिंग, वेदर इट इज गॉन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी. थर्ड थिंग, आपको आई आर जे रजिस्टर्स चेक करने हैं खुद से. Even through managing committee members have prepared the provisional list of members by going through IN register, it is the duty of returning officer to once again check the INJ registers while preparing the final list of voters. Now, final list of voters mein kiska naam aayega? Basically, I mean, I'll tell who has a right to vote. Basically, if one is the original member of a society, you have a right to vote. Agar aapko vote nahi karna hai, if you are outside the city or something, you can transfer your voting right either to the जॉइंट मेंबर और आइदर टू द एसोसिएट मेंबर, राइट? किसी भी एक को आप ट्रांसफर कर सकते हो. अभी प्रोविजनल लिस्ट में किस किस का नाम आएगा, फर्स्टली आई गो थ्रू दैट. व्हेन द मैनेजिंग कमिटी प्रिपेयर्स अ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ मेंबर, इफ सपोज इट इज फ्लैट नंबर वन, अगर फ्लैट नंबर वन है, फ्लैट नंबर वन के अगेंस्ट इफ देर इज वन पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, उस पर्टिकुलर फ्लैट नंबर वन के अगेंस्ट वो मेंबर है, देर इज वन मोर एंट्री विच शोज कि दिस पर्सन इज अ जॉइंट मेंबर, एंड वन मोर एंट्री विच शोज दिस पर्सन इज एसोसिएट मेंबर. तो प्रोविजनल लिस्ट में आप सबका नाम मेंशन करोगे. फिर सब तीनों तो वोट नहीं कर पाएंगे, तो फाइनल लिस्ट में उसी पर्सन का नाम आएगा हु इज रेडी टू वोट एट द इलेक्शन. तो हु इज रेडी टू वोट? इफ माय नेम इज अपियरिंग इन द प्रोविजनल लिस्ट, आई एम द ओरिजिनल मेंबर, आई हैव अ राइट टू वोट. इफ आई एम आउटसाइड द सिटी, अगर ओरिजिनल मेंबर को वोट नहीं करना है, ही कैन ट्रांसफर इज वोटिंग राइट टू आइदर एसोसिएट मेंबर, आइदर टू द जॉइंट मेंबर. तो आपको सोसाइटी को, रिटर्निंग ऑफिसर को सिंपल रिटर्न में लेट कंसेंट देना है दैट आई एम नॉट अवेलेबल, सो माय वोटिंग राइट्स आई एम ट्रांसफरिंग टू द अदर अनदर पर्सन. तो फाइनल लिस्ट में जिसके नाम पे वोटिंग राइट्स ट्रांसफर हुआ है, आप उसी पर्सन का नाम लिखोगे. फाइनल लिस्ट में सिर्फ एक ही जन का नाम आता है, सो दिस रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू टेक केयर ऑफ. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस हैज टू बी डन. तो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी. अदर देन दैट, अगर किसी को कोई क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस है, अगर उनके नाम करेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, तो ये सब आप इनको रिटर्निंग ऑफिसर को बताओगे. रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन ऑल द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एंड प्रिपेयर फाइनल लिस्ट ऑफ मेंबर्स. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर रोल कि फाइनल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर. आफ्टर दैट, रिटर्निंग ऑफिसर हैज टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड इलेक्शन प्रोग्राम. उनका ये काम है कि उनको डिटेल इलेक्शन प्रोग्राम बैठ के बनाना होगा कि कौन से दिन वो क्या क्या करेंगे, बिकॉज मेंबर्स आर नॉट नोन कि कौन से दिन में क्या शेड्यूल किया गया है,
यू हैव टू प्रिपेयर कि कितने दिन आपने नॉमिनेशन के लिए दिए. चलो ये तो हो गया आपका वोटिंग एट द इलेक्शन. नाउ सेकेंड थिंग इज कंटेस्टिंग, हु इज रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ मैनेजिंग कमिटी. तो कंटेस्टिंग के लिए आपको नॉमिनेशन इन्वाइट करने होंगे फ्रॉम द मेंबर्स, तो उसके लिए आप कितने दिन दे रहे हो. देन आप स्क्रूटिनी कौन से दिन करोगे, देन कौन से दिन आप लिस्ट लगाओगे, देन कितने दिन विड्रॉवल के लिए दिए गए, कौन से दिन आप SGM होल्ड करोगे. ईच एंड एवरी डिटेल हैज टू बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, ताकि मेंबर्स डोंट हैव टू कम अगेन एंड कॉल यू एंड डिस्टर्ब यू कि ये चीज़ कौन से दिन में होने वाली, दे आर नोन टू इट. सो दैट इज वन ऑफ द रोल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर टू प्रिपेयर अ डिटेल लिस्ट ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम. आफ्टर दैट आप नॉमिनेशन एक्सेप्ट करोगे, फाइन. सो दिस आर द रोल्स ऑफ इलेक्शन ऑफिसर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप नॉमिनेशन एक्सेप्ट करते हो तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट हु इज विलिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, वो आपको कुछ डिपॉजिट देंगे एज पर रूल. रूल से इसके अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो आपको 500 rupees रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है, और अगर आप ST/ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो आपको 200 rupees उन्हें देना पड़ता है. तो वो पैसे आप कैसे लोगे, तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये पैसे उनसे लेने होंगे, आइदर मे बी कैश और आइदर मे बी चेक. बट इट इज सजेस्टेड दैट यू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट बाय द नेम ऑफ अ रिटर्निंग ऑफिसर, और आप उसमें अमाउंट ले सकते हो, सो दैट यू हैव अ ट्रांसपेरेंसी. बिकॉज एट अ लेटर डेट इफ दे आर इलेक्टेड आपको अमाउंट रिफंड करना होता है उन्हें, एंड इफ दे आर नॉट इलेक्टेड और इफ दे गेट लेस देन 1/10 ऑफ वोट, वो अमाउंट फोरफिट हो जाता है. सो एट दैट टाइम ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड, और जो फोरफिटेड अमाउंट है वो आपको स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी पुणे, वहाँ पे आपको उनको बाय डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ता है. सो इफ देर इज ट्रांसपेरेंसी वो रिटर्निंग ऑफिसर एज वेल एज अ कमिटी, इट विल बी ईजी फॉर देम टू स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स. तो दिस आर बेसिक द रोल्स ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर. नाउ हु कैन बी अ पार्ट ऑफ अ मैनेजिंग कमिटी, बेसिकली कौन मैनेजिंग कमिटी का पार्ट बन सकता है. द पर्सन हु इज रेडी टू कंटेस्ट द इलेक्शन, दिस इज द वन ऑफ द क्राइटेरिया. द सेकेंड क्राइटेरिया, द पर्सन इज नॉट डिसक्वालिफाइड. तो हाउ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, द फर्स्ट थिंग इज ही इज नॉट अ डिफॉल्टर ऑफ अ सोसाइटी. दिस इज वन ऑफ द थिंग आपको देखना है कि जिसको आप जो कंटेस्ट कर रहे हैं he is not a defaulter. Second thing, he does not have more than 2 children. But till when? Till 7 September 2001. उसके बाद उनके उनको there should not be more than 2 children. But जब भी law कोई enforce होता है there is some exemption period given to it. So in this case also there is an exemption period of 1 year, extension of 1 year that is given, that is till 7 September 2002. So if between this 1 year gap from 2001 to 2002 if you conceive a single baby or a twin in a one single birth, so that is allowed. So in that case 3 children are allowed, otherwise no. So this is one of the criteria. Apart from that, if he has committed any default, kuch if he has been guilty under some particular section, so they cannot be a part of managing committee. So ye returning officer ko aur members ko dhyan rakhna hai ki, because our returning officer is a person outside your society, to unke paas itna records nahi hai ki who is a defaulter, then how many children do they have, jo aap bataoge. So it is better if you assist the returning officer to go through the scrutinization of documents and each and everything. So basically this is the rules for election. So in that case you have an option, you can appoint a returning officer from outside or maybe internally from your society. Then nominations jo aapko receive honge, so in that case agar aapke nominations jitne aapko chahiye, basically there are criteria as per bylaw number 114 that how many strength of committee members do you want in your committee. तो इफ़ यू गेट दैट मच, अगर उतने ही आपको इलेक्शन इलेक्शंस के कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स मिल रहे हैं तो आपको पोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बेसिकली इफ देर आर लेस देन 250 मेंबर्स इन अ सोसाइटी, पोल बहुत यूजुअली केसेस में होता है और इट्स पोल इज नॉट डन. तो अगर इफ यू रिसीव मोर देन दैट, सपोज यू रिक्वायर 11 मेंबर्स इन योर कमिटी एंड यू गेट 15 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स वैलिड, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ पोल. तो उस केस में रिटर्निंग ऑफिसर का सबसे बड़ा रोल है दैट ही हैज टू अरेंज फॉर अ पोल, ही हैज टू अरेंज फॉर अ पोलिंग स्टेशन, द बैलेट बॉक्स, द बैलेट पेपर. तो ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. इफ केस अगर 11 सीट्स आपको चाहिए, आपको 11 ही कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, इन दैट केस नो पोल विल बी डन. जिस दिन आपका SGM होगा, जिस दिन आपका इलेक्शन होगा SGM में, उस दिन आप उनको एज अ डिक्लेयर करके आप उनको डिक्लेयर कर सकते हो दिस पर्सन आर द पार्ट ऑफ अ मैनेजिंग कमिटी ड्यूली इलेक्टेड. तो इन दैट केस पोल इज नॉट रिक्वायर्ड. So these are basic the duties of a returning officer, sir. Yes. Thank you very much, Advocate Kiran sir. जैसा कि किरण जी, इसमें overall यदि देखा जाए E categories में, तो overall election में CHS में RO मतलब returning officer major role होता है, और I और J जो register होता है वो भी बड़े मायने रखता है. तो बहुत अच्छा बताया. और थोड़ा ये बता दीजिए कि ये returning जो officers होता है वो क्या मतलब कि सोसाइटी का हो सकता है और कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन होती है.
हाँ जी वही मैंने आपको कहा कि फर्स्ट यू हैव एन ऑप्शन कि आप सोसाइटी से ही रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए ताकि आपको किसी एक्सटर्नल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर वो इंटरनली अपॉइंट आप करते हो तो उसमें क्वालिफिकेशन है कि वो पर्सन एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए सोसाइटी का, वो सोसाइटी में ऑडिटर, ही शुड नॉट बी एन ऑडिटर। द थर्ड थिंग इज वो प्रीवियस मैनेजिंग कमिटी के पार्ट नहीं होने चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज ही शुड नॉट बी रेडी टू कंटेस्ट इलेक्शन। अगर आपको सपोज इस पर्टिकुलर ये साल के इलेक्शन में खड़ा होना है एज अ पार्ट ऑफ अ मैनेजिंग कमिटी, तो इन दैट केस यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड अ रिटर्निंग ऑफिसर। तो यू हैव टू चूज आइदर यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन और आइदर यू कैन बी पार्ट ऑफ अ यू कैन बिकम अ रिटर्निंग ऑफिसर। तो दिस आर द फोर डिस्क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफिकेशंस यू कैन से। बिल्कुल, जो आपकी सोसाइटी में वो भी यदि क्वालिफाई हो जाए तो वो खुद एज ए आरओ इलेक्ट कंडक्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच किरण सा, एडवोकेट किरण सा। और हमारा टाइम भी हो चला है, लेकिन हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं स्टूडियो में। मैं जानना चाहूँगा, फिर कुछ सवाल वगैरह भी आए हैं यहाँ पे, कुछ अच्छे मैसेज भी आए हैं देखेंगे आप। तो सर मैं जान तो कैमरा मूव करो, कैसा लगा ये सर कार्यक्रम ओवरऑल कैसा लगा जरा? बहुत अच्छा है। कहाँ से आए आप? मैं गोरेगांव से हूँ। और ये ऐसे कुछ चीजें चलती रहेगी तो कॉमन पब्लिक के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये चीजें इजीली मिलती नहीं है। अनलेस आपको कुछ प्रॉब्लम आया, यू हैव टू वर्क टू द दिस एडवोकेट एंड लीगल टीम टू गेट ऑल दिस नॉलेज। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म का नाम ही है सिटीजन जस्टिस फोरम, दिस सिटीजन जस्टिस फोरम। सर आए कहाँ से? मतलब सभी के चेहरे पे लग रहा है कि कई प्रॉब्लम्स का फेस और कानून के दरवाजे। किरण जी ने इतना सीधे से एक्सप्लेन किया, ये थोड़ा हिंदी में भी होता है ना तो मास पब्लिक को सब और ज्यादा समझ नहीं। लैंग्वेज का तो ऐसा रहता ना कि लोग मराठी में भी डिमांड करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, गुजराती में भी करते हैं, लेकिन एक इंग्लिश का क्या है, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और फ्यूचर में हम करेंगे, वो हिंदी में करेंगे। फ्यूचर में करेंगे। आप कुछ बोलना चाहते कोई? थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम जो सिटीजन्स है वो भी मौजूद है और जो एक्सपर्ट है वो भी मौजूद है और सिलसिला है कि न्याय मिले, जस्टिस मिले लोगों को। इस जस्टिस फोरम का यही सिलसिला आगे भी रहेगा। सुलेमान भिवानी जी, देखो सिटीजन जस्टिस फोरम की जो बाइलाइन है वो एम्पावरिंग सिटीजन्स, यानी हम सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं। और दूसरा, वी वॉन्ट टू बी द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन, जो एक आम आदमी की जो आवाज़ हम बनना चाहते हैं ताकि उनके जो रोज बरोज के जो मसले हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन से लो, MCGM के हो, तो वो चीज़ को हम किस तरह से ओवरकम कर सके। और संविधान ने जो हमें हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में रह के हम जो हमारे हक के लिए जो हम लड़ाई लड़ सकते हैं वो हमें लड़नी है। बाकी बहुत से टाइम पे आम नागरिक को ये मालूम नहीं रहता है कि ये इनका हक है। तो जो हक हमें संविधान ने दिया है वो हक हम हमारा किस तरह से हासिल करें उसके बारे में ये प्रोग्राम रहेगा। और हम चाहेंगे कि आम आदमी, आम जनता की आवाज़ बने और एम्पावर करे सिटीजन को। अभी नेक्स्ट सैटरडे को जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो दो मुद्दे पे रहेगा, एक हाउ टू फाइल इफेक्टिव RTI, और जो हमारे सिविक मसले हैं जहाँ फुटपाथ टूटी पड़ी हुई है, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है, काफ़ी सारे जो सिविक इशू है उसको किस तरह से सोशल मीडिया के तरह सॉल्व किया जाए, उसके लिए बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है अनिल गलगली, जो हमारे यहाँ के पायनियर माना जाते हैं, RTI एक्टिविस्ट है, और वो ये प्रोग्राम को असिस्ट करेंगे। और उसमें हम ये करेंगे कि आप अपना RTI बना के लेके आइए, जो RTI अवेलेबल होगा ऑनलाइन वहाँ वहीं पे हम ऑनलाइन फाइल करके उनको दे देंगे, हमारे कार्ड से ही हम पेमेंट कर देंगे। जो 10 रुपया है वो 15 रुपया लगता है, लेकिन आने जाने का समय बच जाता है और ऑनलाइन हो जाता है। जहाँ पे ऑनलाइन नहीं होगा वहाँ पे हम उनको प्रिंट करके दे देंगे 10 रुपये की स्टैम्प लगा के कि भाई ये आप जाके अपना RTI आप डाल के आइए। पेंडेमिक और साइज के होते हुए हम 12 लोग से ज़्यादा फिजिकल एंट्रीज नहीं दे पाएंगे, तो आपको पहले ही हमें व्हाट्सएप पे बताना पड़ेगा। ये व्हाट्सएप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर। आपकी जो समस्या है या आपने जो RTI फाइल किया है उसको अगर आपको फाइन ट्यून करना है तो आप हमें पहले से एडवांस में भेज देना, तो हम वो अनिल गलगली को भेज देंगे, अनिल गलगली उसके हिसाब से उनको जैसा रिफ्रेश करना है वो करके दे देंगे। जो RTI ऑनलाइन हो सकती है वो हम ऑनलाइन करके दे देंगे, जहाँ पे आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत है वो हम प्रिंट आउट करके दे देंगे। तो ये हर सैटरडे को कोई ना कोई हम टॉपिक लेंगे
और आम आदमी को किस तरह से एम्पावर करना है, दिस इज द होल आइडिया टू एम्पावर द सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे कमेंट्स और आज तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी ऑडियंस है और कुछ एक्सेप्ट भी मांग रहे हैं। रमेश राव राणे, प्रभु सर, महासेवा एंड एमएनएस मीडिया टू प्रिपेयर सेपरेट रूल्स फॉर बाइंग फ्लैट एंड स्ट्रिक्टली रूल्स फॉर बिल्डर नॉट बी चीट कॉमन मैन बायर्स लाइक प्रभु सर इज वर्किंग ऑन, मतलब चल ही रहा है सब, हम लोग मिलके मतलब चीफ मिनिस्टर हो या रेरा अथॉरिटीज हो, हाउसिंग मिनिस्टर हो सेंटर, तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट गिवन ऑमनेस्टी स्कीम पे चल रहा है, सजेशन दिया चीफ मिनिस्टर को साहब को, तो उस पर भी होगा कि जो रीडेवलपमेंट में पुरानी जो ओल्ड बिल्डिंग है उनको एमनेस्टी स्कीम के तहत ओसी की एक स्कीम आना चाहिए जिसको ओसी मिलकर रीडेवलपमेंट में हो जा सके। तो ये काफ़ी सारी अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, सवाल भी आ रहे हैं, तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। और जाते जाते मैं ये कहूँगा नेक्स्ट जो सैटरडे वो तो आपको सब्जेक्ट मिल ही गया, अनिल गलगली जी आप मौजूद रहेंगे, आप आरटीआई किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द स्पॉट खुद अनिल गलगली बताएंगे, वो पूरी उसके अंदर आपको जानकारी देने में आएगी। और जो आरटीआई हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं वो ऑनलाइन करके दे देंगे, और जहाँ पे वो सुविधा नहीं है तो हम उनको प्रिंट आउट करके कॉपी दे देंगे। और ये मंच से यदि आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर हमारे जो सहयोगी हैं मेल आईडी भी आपको शेयर करेंगे और व्हाट्सअप नंबर, सुलेमान भाई का व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप पे मैसेज करें आपकी जो प्रॉब्लम्स है और आप उनसे अपॉइंटमेंट्स लेके जब भी आपको यहाँ पर ऐसे रूबरू बुलाया जाए आप प्लीज़ वेलकम, और आपके एक्सपर्ट आपको आपकी प्रॉब्लम आपकी समस्या को निजात दिलवाएंगे आपसे सरकार तक या फिर कोर्ट तक। तो ये पैरेलल लोगों की तो मदद है, सरकार की, अधिकारियों की, चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं सरकार की हम मदद कर रहे हैं, तो हमारा साथ दीजिए, अपना आप साथ दीजिए। क्योंकि दोस्तों जाते जाते मैं यही कहूँगा, उसूलों पे जहाँ आँच आए, उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहाँ पे आँच आए टकराना जरूरी है, जब जिंदा हो तो फिर, जब जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जैसे भाई साहब मर्चेंट साहब ने दिखाया कि जिंदा हूँ मैं, 51,000 दिया है लेकिन आपको मैं बाकायदा रूल से, तो आप हर एक व्यक्ति को जिंदा नजर आना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि संविधान है, कानून है, वो आपके हमारे लिए है। और इस फोरम का, ये जो सिटीजन जस्टिस फोरम का यही है कि एक न्याय लोगों को मिले, और लोगों को न्याय मिलेगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं से निजात दिला सके और एक स्वस्थ भारत और एक स्वस्थ देश में हम लोग रह रहे हैं, इस तरह का एहसास है। आप सभी का धन्यवाद जो देख रहे हैं, और हमारे दोनों स्पीकर्स सुलेमान भीमानी जी का और एडवोकेट किरण साहब, दोनों आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।